पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम शनिवार को स्वदेश लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में फैंस सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने वापसी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थापों पर सब जमकर थिरके और पदक जीतने की खुशी भी मनाई। इस दौरान हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने पियाश विजेश के समापन समारोह में ध्वजवाहक चुने जाने पर बात की। उन्होंने कहा कि वो इसके हकदार थे। अगर भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक समिति ने उन्हें यह अवसर दिया है तो हॉकी इंडिया उनका शुक्रिया अदा करता है। वो हकदार था, विजेश तो हकदार था उसका, नहीं चाहिए। एक कहने वाली चीज है, उसका हक है। अगर वो हक भारत सरकार इंडियन ओलंपिक दिया है तो हॉकी इंडिया इसके लिए उनको धन्यवाद देता है। सर 52 साल के बाद ये खुशियां जबरदस्ती कुसुम है, जीत पे आप एक टिप्पणी कैसे? देखिए, जीत शानदार जीत रही। बैक टू बैक सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं। मगर हम लोग का, हॉकी इंडिया का, पूरी टीम का, हम लोग का टारगेट था कि हम लोग को फाइनल खेलना है। एक रेफरी का चूक, अमित रोहिदास को बाहर करना, वो हम लोग के लिए बहुत भारी पड़ा। अब आज हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं, नहीं तो इस मेडल का कलर कुछ और होता। सर, सेमीफाइनल में आखिरी मोमेंट पर जो एक इंच से लास्ट सेकंड में जो गोल चूक गया, वो कहीं ना कहीं थोड़ी से उसके तेज है रहती है खिलाड़ियों के अंदर या फिर आपके अंदर? देखिए, खेल एक ऐसी चीज है ना कि उसकी जितनी गहराइयों में जाइएगा, जितनी चीज को सोचिएगा, वो आपको बराबर बहुत टिस मारेगा कि ऐसे हो जाता तो ऐसे होता, ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। बस सेमीफाइनल के दिन के लिए मैं जर्मनी के खिलाफ मैं यही कहूँगा कि वो मेरा दिन नहीं था, मेरा खिलाड़ियों का दिन नहीं था, भारत का दिन नहीं था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।